तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बड़ा झटका देते हुए बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपके बदल गए तेवर? देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने लोगों को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी, यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे। आतिशी ने इसका कारण बताते हुए कहा कि फिर बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन यह फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है। आपका ये फैसला दिल्ली की जनता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस मसले पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि ईआरसी के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो इंडियन आर्मी ने देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोपों को तैनात किया है। 155 mm की ये तोपें ऐसी जगहों पर लगाई गई है जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला हो सकता है। अभी इस तोप के गोले किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर तक दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हो सकता है कि जल्द ही इसमें नई तरह के गोले लगाए जाए। देखते हैं अंदर की बात में। इंडियन आर्मी ने देश की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट होवियजर तोपों को तैनात किया है। M777 होवियजर की रेंज बढ़ेगी। भारतीय तोप से ऐसे गोले निकलेंगे जो दुश्मन के लिए मौत का विमान बन जाएंगे। आइए जानते हैं इसकी विशेषता। उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट होवियजर तोपों को तैनात किया है। 155 mm की ये तोपें ऐसी जगहों पर लगाई गई है जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला हो सकता है। इन गोलों को कहते हैं लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल। यह तोप की नली से निकलता तो गोलों की तरह है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद यह विमान में बदल जाता है। गोलों से पंख निकल आते हैं और इसकी दिशा को बदलने में मदद करते हैं, यानी भागता हुआ दुश्मन भी बच नहीं सकता। इसे बनाया है जनरल ऑटोमिक्स कंपनी ने। इसी महीने के अंत तक इसका परीक्षण होगा। अगर भारतीय M777 होवियजर तोप से ऐसे गोले निकलने लगे तो पाकिस्तान और चीन की पोस्ट बंकर तोप हथियार डिपो को उड़ाना बेहद आसान हो जाएगा। LRMP ऐसा हथियार है जिसे पकड़ना बर्बाद करना मुश्किल होगा। भारतीय सेना फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,